मैं आज आपको बताऊंगा अपने एजुकेशन पोर्टल के बारे में। एजुकेशन पोर्टल में हम लोग कैसे अपनी आईडी बना सकते हैं और उस आईडी में अपना पासवर्ड खुद का कैसे रख सकते हैं उसको बनाने के लिए, और उसको बताऊंगा। और उसमें एक आईडी आजकल बन रही है जिस आईडी को हम अपने वीडियो से साइन करवा के अपने पास भी रख सकते हैं। तो एजुकेशन पोर्टल को देखने के लिए और उसको जानने के लिए तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए ताकि ये और ये इन्फॉर्मेशन आगे और को भी जा सके, और भी इसको लाइक और सब्सक्राइब करके दोस्तों आगे बढ़ाइए। तो आगे मैं ले चलता हूँ अपने सिस्टम पर, आइए। हाँ, तो सबसे पहले हमने अपने सिस्टम को खोल के उसमें गूगल क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है। गूगल क्रोम ब्राउज़र में हम जैसे ही इसको ओपन करेंगे तो हमने इसमें लिखना है educationportal.uk.government.gov.in। जैसे एजुकेशन पोर्टल educationportal.government.uk.in, इसको लिखने के पश्चात पहले ही लिंक में ही हमको दे देगा एजुकेशन पोर्टल का। हम इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के इस लिंक को जैसे ही हम ओपन करेंगे तो ये हमको हमारी एजुकेशन पोर्टल की साइट पर ले जाएगा। और एजुकेशन की पोर्टल की साइट पर जाने के पश्चात आजकल सबकी दिक्कत यही चल रही है कि मेरी आईडी क्या है, मेरी आईडी क्या है। तो वो आईडी यहाँ पर से हम लोग अपने आईडी अपने वहाँ से ले सकते हैं एजुकेशन पोर्टल की, और एक नया पासवर्ड अपना बना सकते हैं। उसके लिए हमने लॉगिन हियर में हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये हमें अपनी आईडी इसमें हमने डालनी है जो हमें वहाँ से मिल सकती है अपने डीडीओ से। तो ये आईडी हम अपनी रख लेंगे। अपनी डालने के पश्चात इसमें 91, अब इसमें हमने क्या करना है, हमने इसमें एम्प्लॉय में क्लिक करना है। कंट्रोलिंग को छोड़ देना है, यूनिट को छोड़ देना है, एम्प्लॉय को क्लिक करना है। एम्प्लॉय को क्लिक करने के पश्चात हमने इसमें इसका जो यूनिक ये पासवर्ड में हमने लिखना है एडमिन, स्मॉल में admin@123। ठीक है, admin@123 लिखने के पश्चात हम इसमें जो एम्प्लॉय में क्लिक करेंगे, एम्प्लॉय में क्लिक करने के पश्चात हमने यहाँ पर 49EAE जो इसका कैप्चा है जिसमें मेरा कर्सर है इसको हम लॉग इन हियर कर देंगे फिल करने के पश्चात। और ये हमको हाँ ये हमको ये अब अपने ओल्ड पासवर्ड में कह रही है कि ओल्ड पासवर्ड डालिए। तो ओल्ड पासवर्ड हमारा वही पुराना admin@123, और नया हमने इसमें जो भी हम पासवर्ड बनाएंगे ठीक है, फिर एक नया पासवर्ड इसको कंफर्म करने के लिए बनाएंगे। और फिर हम इसमें जो ये कैप्चा है इसको इंटर कर देंगे। ठीक है, तो अब इसको हम चेंज पासवर्ड में डाल देंगे तो ये हमको हमारा पासवर्ड हमारा जनरेट कर देगी, एक हमारा अपना खुद का पासवर्ड बना देगी। जैसे कि ये जो पासवर्ड बना है इस पासवर्ड को बनने के पश्चात अब हमने इसको अपना पासवर्ड हमें पता चल गया ये क्या बना है हम लोगों ने। और हम लोग इसमें अपनी व्यू करके अपनी प्रोफाइल देख सकते हैं कि हमारी प्रोफाइल क्या है। जैसे मनोज सिंह का प्रोफाइल है तो ये प्रोफाइल हम देख सकते हैं, इसमें हमारी प्रोफाइल में क्या कमी है इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। और भी इसमें काम किया जा सकता है कि हम इसमें बैक बटन में जाके, इसमें एक बहुत अच्छा फीचर है कि हम इसमें अपनी आईडी ये जो आईडी कार्ड है ये यहीं पे से हम अपने सिस्टम से अपने पास डाउनलोड करके रख सकते हैं और इसको अपने डीटीओ से साइन करवा के अपने जेब में या अपने पास रख सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, आगे भी इसमें बने रहिए और इन्फॉर्मेशन आपको
मिल जाएगी, और प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।